आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे AI PMT 2015 के 5 क्वेश्चन स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फिलामेंट मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। क्लोरोप्लास्ट में जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनते हैं शैक लाइक, उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी, ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा। यहाँ पे देखिए स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको हम ग्रैना बोलते हैं। थायलेक्वाइड का बना हुआ स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ थायलेक्वाइड से ग्रैना प्लूरल वर्ड है, ग्रैनम सिंगुलर वर्ड होता है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड आर। क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है उसकी सिचुएशन एक एंड के क्लोज पे है, इंड पे नहीं है, क्लोज पे है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के टाइप है वो 4 होते हैं, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड सबमेटासेंट्रिक। यहाँ पे सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड है तो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में नहीं होता है वो इंक्लूजन बॉडी, चूज करना है आपको। यहाँ पे देखें तो फास्फेट ग्रेन्यूल्स यस ऑब्वियसली होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ऑब्वियसली होते हैं, टाइनोफाइशियन ग्रेन्यूल ऑब्सोल्युटली होते हैं एंड पॉलीसोम जो स्ट्रक्चर है वो ढेर सारे राइबोसोम को मिलकर के पॉलीसोम बनता है। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोट में होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। से पहला ऑप्शन है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोलिपिड, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड बी ऑप्शन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो सिंथेसिस करना होता है लिपिड का, तो लिपिड की सिंथेसिस बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ का करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, तो साइटोक्रोम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम में। तो मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत पड़ती नहीं है, आउटर वॉल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाहर कोई सब्सटेंस चला जाएगा, क्रिस्टी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया चूंकि वहां पे क्रिस्टी इनर इनफोल्डिंग होता है इनर मेम्ब्रेन जो कि क्रिस्टी बनाता है, वहां पे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम होता है जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और वहीं पे साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्रिस्टी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।